बस बिजनेस सीरीज के 6th एपिसोड को शूट करने के लिए हम पहुंच गए इंदौर। इंदौर में हमने हर्ष भैया से मुलाकात की, जिनकी अन्नपूर्णा ट्रैवल्स नाम से कंपनी है। हर्ष भैया बेसिकली बस ऑपरेटर के साथ साथ बस बॉडी बिल्डर भी है। इनका खुद का बस बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप है। तो दोस्तों, मिलते हैं हर्ष भैया से और जानते हैं इनके बढ़िया अनुभव के बारे में। नमस्कार दोस्तों, बस बिजनेस सीरीज के 6th एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है हर्ष भैया, जो इंदौर तीन इमली में इनका ऑफिस है और इनकी अन्नपूर्णा ट्रैवल्स नाम से कंपनी है। सर नमस्कार, आपका स्वागत है इंडियन ट्रांसपोर्ट चैनल में। नमस्कार सागर भैया, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। बस बिजनेस सीरीज में बस के बारे में बात करना मतलब मेरे सबसे खास चीज़ों में से है और आज सुबह सुबह ये मौका मिला, मैं बहुत खुश हूँ। हर्ष भैया, हमारा सबसे पहले सवाल है कि आपने शुरुआत कैसे की थी बस बिजनेस की? भैया एक्चुअली मेरे साथ में एक भैया और हैं, हम लोगों ने 2019 में इसको एक स्टार्टअप की तरह प्लान करा था। मैं जो हूँ, मैं प्राइमरली बस ऑपरेशन में से नहीं हूँ। हम लोगों ने 2019 में स्टार्ट करा था, पहली लाइन हमने शुरू करी थी इंदौर पुणे। उसके बाद में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, रेटिंग में हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैं इससे पहले एक MNC में काम करता था, तो वहाँ पे हम लोग सर्विस को देखते थे कि सर्विस किस तरीके से दी जाती। हम लोग कुछ ऐसा करना चाहते थे, क्लाउड किचन टाइप खोलना, या बस यूजुअली एक एंसेस्ट्रल काम होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी तरीके से आता है। हम लोग कुछ ऐसा करना चाहते थे कि हम लोग सर्विस देना चाहते थे। बेसिकली इंडिया में क्या है कि सबसे ज़्यादा अगर आप कुछ कर सकते तो कोई चीज प्राइमरली बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है तो वो है सर्विस। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम कुछ बस ऑपरेशन के अंदर में और वो सारी चीजें हम देखते थे। बहुत सी बार हम बसेस से ट्रेवल करते थे तो वो सर्विस नहीं मिल पाती थी, या वो चीज मतलब कभी कभी ये होता है कि किसी चीज़ का आप पैसा दे रहे हो और उसके बाद में भी आपको 100% वो चीज़ वहाँ नहीं पहुँच पा रही जहाँ आप उसे चाहते हो। मतलब एज अ कस्टमर आप फ्लाइट के अंदर भी मतलब जैसे बिजनेस क्लास होता है, या फिर हम देखते थे बहुत कम ऑपरेटर, जैसे इंदौर में मतलब शायद एक भी ऑपरेटर नहीं है। बाहर होते हैं, जापान में प्रीमियर ऑपरेटर्स होते हैं, USA में ग्रेहाउंड जैसी चीज़ें हैं, वो सब हम देखते थे। तो 2019 में अन्नपूर्णा ट्रैवल्स जो है वो अन्नपूर्णा बस सर्विस टूर ऑपरेशन में जो सबसे प्राइमरी चीज़ है, भैया जो है उनके साथ में मैंने स्टार्ट करा था, वो मेन भैया हैं। कभी अगर हुआ तो मैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा। और ये हमारा मतलब अन्नपूर्णा बस सर्विस का मेजर जो काम है वो टूर ऑपरेशन का है, मतलब जिसमें हम शादी बारात एक्सकर्शन चारधाम यात्रा और ये सारी चीज़ें करते हैं। तो हमने पहली बार इसके बाद में अन्नपूर्णा ट्रैवल्स में इंटरस्टेट ऑपरेशन प्लस उनका जो मार्गदर्शन है उसके साथ में अन्नपूर्णा ट्रैवल्स स्टार्ट हुआ था। पोस्ट कोविड हम बहुत ज़्यादा बुरा हिट हुए थे, उस टाइम पर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, मतलब हम नहीं पूरी बस इंडस्ट्री हिट है। कोई जब बाहर ही नहीं निकलेगा, या ट्रैवल पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, या तबीयत खराब हो रही है लोगों की, जो कि सही भी है और गवर्नमेंट के वो है, तो कोई बाहर नहीं निकलेगा। अब बस सर प्राइमरी जो चलती है वो 30 लोगों पे चलती है, 30 सवारियों पे चलती है, तो बस बिजनेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। उसके बाद में हम लोगों ने धीरे से पेस पिकअप करना स्टार्ट करा। हम लोग इंदौर कानपुर भी ऑपरेट करते हैं, हमारी इंटरस्टेट सर्विसेज हैं कानपुर में फजलगंज तक। कानपुर में हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, पब्लिक ने हमारी सर्विस को बहुत पसंद करा। उसके बाद में अभी हम लोगों ने दिवाली से पहले पुष्य नक्षत्र पे हम लोगों ने उज्जैन इंदौर मुंबई सर्विस स्टार्ट करी है। रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे हैं। हम लोग प्राइमरली हमारी सारी गाड़ियां जो हैं वो नई हैं। हमारे पास में सबसे पुरानी गाड़ी भी जो है वो 2019 लेट मॉडल BS4 है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर को एक प्रीमियम सर्विस जो वो रेडबस या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेटीएम अभी बस से एक्सपेक्ट करता है, एज अ वेंडर हम उसको फुलफिल कर पाए। तो हर्ष भैया, आपसे अगला सवाल ये है कि आपके पास अभी कितने बसेस का फ्लीट है और कौन से ब्रांड्स की बसेस आपके पास? हमारे पास टोटल 6 बसें हैं अन्नपूर्णा ट्रैवल्स में। अभी अन्नपूर्णा बस सर्विस जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास अराउंड 75 बसेस हैं। 75 बसेस में से मोर देन 95% हमारा जो फ्लीट है वो अशोक लीलैंड का है। अशोक लीलैंड में हमारे पास में यहाँ पे अभी 6 गाड़ियां हैं, जिसमें से सबसे एक गाड़ी जो है सिर्फ हमारी वो BS4 है, 2019 लेट मॉडल है, मैंने अभी इससे पहले बात करी। बाकी सारी 2021 मॉडल है, कुछ एक 11 मीटर है, 2 11 मीटर गाड़ियां हैं BS6, और उसके बाद में 3 हमारे पास BS6 12 मीटर गाड़ियां हैं जो अभी हमने जस्ट नई बनाई हैं, जो प्राइमरली हम उज्जैन इंदौर मुंबई पे ऑपरेट करते हैं। तो अभी जो नया कानून आया है, मतलब 36 स्लीपर बर्थ का जो नया ट्रेंड आया है बसेस का, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी से लेकर 2.5 साल तक, 2.5 साल तक हमने बस सर्विस में गाड़ियां ली हैं टाटा में, पर प्राइमरली मैं सोचता हूँ एज अ इंटरस्टेट ऑपरेशंस के लिए, तो मैं अभी 2.5 साल तक जब तक प्रोडक्ट टेस्ट नहीं हो जाता, जैसे लीलैंड ने अभी निकाला है प्रवास के अंदर में हैदराबाद में, तो जब तक वो प्रोडक्ट टेस्ट नहीं हो जाता है मेरे हिसाब से वो अर्ली मूव होगा उसके अंदर एकदम से 36 स्लीपर के अंदर में जाने से। प्लस मैं ये चाहता हूँ कि मतलब जैसे अशोक लीलैंड हो गए, टाटा हो गए, या आयशर जो भी ये गाड़ियाँ बना रहे हैं, प्राइमरली जैसे वॉल्वो की गाड़ियाँ आती हैं 14.5 मीटर 14.5 मीटर, उसमें वो ड्राइवर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। देखिए, इंसान ने 12 मीटर
मीटर गाड़ी चलाई है सिंगल एक्सल में, वो एकदम से 14.5 मीटर पे मूव कर रहा है, तो मेरा ये हिसाब है कि उस इंसान की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए और ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर वैसा कोई कैंपेन स्टार्ट होगा तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। हर्ष भैया, हमारा आपसे अगला सवाल ये है कि BS6 बसेस में का क्या अनुभव है BS6 बसेस का? मेरे हिसाब से सर प्राइमरली टेक्नोलॉजी के हिसाब से BS6 में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हैं जो BS4 के अंदर में नहीं थे। जैसे आपको पता ही होगा एक इंडस्ट्री में अभी बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है इंटेंगल, हम लोग उसको BS4 में भी यूज़ कर रहे थे, हमारी सारी बसों में इक्विप्ड है, उससे बहुत सारे फायदे हैं। मोस्टली जो ऑनलाइन जो बुकिंग होती है वो लोग भी सजेस्ट करते हैं कि आप इंटेंगल्स के साथ में काम करो। तो BS6 के अंदर में सर क्या करा है, जैसे कुछ लोग परेशान भी हैं, कुछ मतलब जो पुराने ऑपरेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि सेंसर लोडेड हो गई हैं गाड़ियाँ। अब ऐसा है कि सर आपको गाड़ी खुद बताने लग गई है BS6 में, लीलैंड के अंदर में, टाटा में, आइशर में, कि उसके साथ में क्या समस्या है जो पहले हमारे पास में नहीं होता था। आजकल जो है वो हेड्स ऑन डिस्प्ले भी आ गए हैं ड्राइवर के पास में, वो एटलीस्ट फोटो खींच के हमको बता सकता है कि क्या समस्या है। बीच में जैसे कोई गाड़ी गर्म हो रही थी, गाड़ी खुद बता रही है कि यार कूलेंट जो है आप बढ़ा लो, या कूलेंट को जो है आप रिन्यू कर लो, या कूलेंट बदल दो। BS4 के अंदर में ये चीज़ें नहीं थी। प्लस BS6 जो है एग्जॉस्ट के बाद में कैटेलिटिक कन्वर्टर से जो चीज़ें हो रही हैं वो BS6 में बेटर है। BS4 में कुछ गाड़ियाँ जैसे अशोक लीलैंड हो गई, वाइकिंग जो आता है 2012-2011, उसके अंदर में यूरिया नहीं हुआ करता था, तो जो फ्लू गैसेस जो हम एनवायरनमेंट के अंदर में जो इंजन का एग्जॉस्ट छोड़ रहा है ऐसी की ऐसी हार्मफुल गैसेस बाहर जा रही थी। अब सारी गाड़ियों में BS6 नॉर्म्स के हिसाब से यूरिया डल रहा है, तो फ्लू गैसेस जो हैं जो बाहर निकल रही हैं एग्जॉस्ट के अंदर में से वो इतनी हानिकारक नहीं है, तो वो चीज़ एक बहुत बेटर चीज़ हुई है। मेरे हिसाब से लीलैंड में एक ड्रास्टिक चेंज आया है। पहले जो है क्वालिटी जो थी, जैसे डाइमलर एजी की जो क्वालिटी है, भारत बेंज की जो क्वालिटी है, कि ड्राइवर बोलता था बोले भैया इसमें कुछ अलग है, तो मेरे हिसाब से लीलैंड आज उससे बराबर में ही आ गया। क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई, फीचर्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं, बहुत सारी नई चीजें आई हैं। अभी जैसे BS6 में हमने जो नई गाड़ियां ली हैं उनके अंदर में रिटार्डर भी है, आगे डिस्क ब्रेक भी है, क्रूज कंट्रोल वाली भी गाड़ी आप ऑप्ट कर सकते हो, तो ईज ऑफ ड्राइविंग हो गई है, इंसान थक नहीं रहा है, ड्राइवर थक नहीं रहा है, ड्राइवर को फटीग नहीं हो रहा है ज्यादा, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं मेरे हिसाब से। और प्लस हमको इसके साथ में आगे बढ़ना चाहिए। देखिए RTO अगर बोल रहा है कि कोई गाड़ियां जो ऑब्सोल्यूट हो रही हैं, ऑब्सोल्यूट हो रही हैं या उन्हें बदलना चाहिए, तो मेरे हिसाब से BS6 के अंदर में और इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मतलब यथास्थिति में हम यूरोपियन या फिर जो अमेरिका में चलता है या जो क्वालिटी फ्रेट लाइनर या आपका जिसको कहना चाहिए बाकी गाड़ियों में होती है, वो हम इंडिया में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और हर्ष भैया, आपके पास अभी अशोक लैंड की कौन सी चीज़ें है, मतलब मॉडल नेम क्या है उसका? सर मेरे पास में BS4 में एक 2012 मॉडल की गाड़ी है, 2011 अशोक लीलैंड में BS6 है, और हमारे पास में 3 और 2012 हमने रिसेंटली बनाई है वाइकिंग के अंदर में 180 हॉर्स पावर अन्नपूर्णा ट्रेवल्स, मतलब जो यहाँ पे है प्राइमरली हमारे पास सारी लीलैंड ही है। अभी जो अशोक लैंड के पास 2012 है यानी कि 200 HP जो गाड़ी है उसमें 6 सिलेंडर आता है, और आपके अभी आपके पास कौन सी 6 सिलेंडर या 4 सिलेंडर? सर मेरे पास में सर 4 सिलेंडर गाड़ियां हैं प्राइमरी। जो आप बता रहे हो 6 सिलेंडर गाड़ी, वो थोड़ी सी महंगी आती है, वो गाड़ी थोड़ी सी कॉस्टली है, और डिफरेंस जो है वो इतना मतलब ड्रास्टिक नहीं है, तो हम अभी उसके ऊपर नहीं गए हैं मूविंग फॉरवर्ड। मतलब हाँ, अगले उसमें अगर हम कोशिश करेंगे कि हाँ हम भी 6 सिलेंडर गाड़ी को प्रिफर करें। प्लस 4 सिलेंडर गाड़ी में थोड़ा सा ये कि सर पिकअप ज़्यादा आता है 6 सिलेंडर से। 6 सिलेंडर गाड़ी जो है वो स्टेबल ज़्यादा होती है, इंजन नॉइज कम रहता है, उसके बाद में वो तो हम रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी, रिफाइनमेंट बहुत ज़्यादा है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसमें भी और मैं मतलब एक और वाइज अप्रोच के साथ में और टेक्निकली थोड़ा सा साउंड मतलब मैं बता पाऊँ, पर जब हम उसे इस्तेमाल करेंगे मैं तभी। अच्छा, मतलब मेनली अब तक आपका जो 4 सिलेंडर का अनुभव है मतलब BS6 में, वो कैसा है सर? एक्सपीरियंस हमारा फिनोमिनल है। अच्छा। मतलब हम खुश हैं प्रोडक्ट से अपने, सर्विस कॉस्ट कम है, और आपको लगता है मजबूती है उस गाड़ी के अंदर। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि बोले नहीं भारत बेंज ले लो आप, ये है वो है इस तरीके से है, या वो प्रोडक्ट बेटर है, ये वो है। ट्राइड टेस्टेड प्रोडक्ट है सर। कीमत में क्या डिफरेंस लगता है? मतलब टाटा भी है मार्केट में, अशोक लैंड है, भारत बेंज, आइशर में, तो चारों में आपने मतलब अशोक लैंड कीमत की सबसे भी आपको क्या लगता है अशोक लैंड? मेरे हिसाब से सर आइशर की क्वालिटी महसूस होती है। जैसे हमारा कोच बिल्डिंग का भी कामकाज है। अच्छा। हम लोग अपनी बसेस खुद ही बनाते हैं। अच्छा। अन्नपूर्णा कोच बिल्डर्स के नाम से। तो क्या रहता है सर, फील रहता है जो गाड़ियां बनाते हैं, मुझे तो उनने बताया आप फील नहीं कर सकते, वो फील कर सकते हैं। तो जब आइशर के चेसिस को छूते हैं तो वो तभी बताते हैं भैया इसमें कुछ पतला है, या जो मेटल की क्वालिटी है, या जो भी, मैं किसी ब्रांड के अगेंस्ट नहीं हूँ, ये मार्केट में जो जो सेंटीमेंट है, मतलब जो एक्चुअली मार्केट में होता है,
तो वो बोलते थे कि भैया थोड़ा सा कुछ कमजोर है, आयशर बहुत अच्छा कर रहा है, ये है वो है, पर 3 साल 3.5 साल 4 साल डाउन द लाइन अगर चेसिस पे से आपकी बॉडी जो है वो हिलने लगे, जो स्ट्रेट बोल्ट हम नीचे से लगाते हैं वो ढीले होने लग जाए, या चेसिस को वेल्ड कराना पड़े, या वो तो वो चीज लीलैंड के अंदर में नहीं है। ये एक प्योर वर्क हॉर्स है सर। मजबूती के मामले में लीलैंड ज्यादा अच्छा है। मजबूती के मामले में लीलैंड बहुत अच्छा है। और एक्चुअली में क्या होता है सर कि जैसे एयरबस का A320 आता है जो कि वर्क हॉर्स है एविएशन इंडस्ट्री में, मैं ये मानता हूँ लीलैंड जो है ना सर वो वर्क हॉर्स है बस इंडस्ट्री में। क्या बात है। 100 गाड़ियां अगर बिकती हैं तो सबको ये बात मालूम है मार्केट में, या जो भी ऑपरेट कर रहा है या जो भी खरीदता है बनाता है, कि उसमें से 100 में से 90 लीलैंड होती हैं, और बाकी 10 का जो मार्केट सेगमेंट है वो टाटा हो गया, आयशर हो गया, या फिर वॉल्वो के पास है। प्राइमरली वॉल्वो बहुत ज्यादा महंगा है, मोस्टली ऑपरेटर्स अफोर्ड नहीं कर पाते, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, फाइनेंस में समस्या है। आयशर और टाटा के साथ में टाटा ने अभी तक उसकी वैल्यू प्रूव नहीं करी है जो पहले आती थी। आज से 5 साल 6 साल पहले का टाटा और BS4 BS3 का जो टाटा है वो लीलैंड से कम्पीट नहीं कर पाया। आयशर के मान से ये है कि सर देखिए आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हो, बहुत सिंपल सा फैक्ट है। जैसे कि अगर कोई चॉकलेट मार्केट में 25 रुपए की आती है, आपको मालूम है वो 25 रुपए की आती है, 22-23 रुपए की मैन्युफैक्चर होती होगी, सामने वाला अगर उसको कम करके दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो कमी होगी। बहुत से लोग ऑपरेट कर रहे हैं, उनके रिव्यूज बहुत ज्यादा अच्छे हैं, हमारे पास नहीं है, फ्यूचर में हम करके देखेंगे ऑपरेट, अगर जो भी फीडबैक होगा मैं जरूर आपको बताऊंगा। और अभी क्या है दोस्तों की जो वॉल्वो वगैरह बसेस होती है, हाई एंड बसेस जो होती है, मतलब उनका एक रनिंग टाइम भी होता है, मतलब नॉर्मल टाटा अशोक लैंड भारत में जैसे ज्यादा रन करती थी वो, बट उसके लिए रूट भी वैसा चाहिए, मतलब लॉन्ग रूट के लिए वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो अभी आपके पास कौन से रूट्स हैं? हमारे पास में जो बेसिक हमारा रूट है वो है इंदौर कानपुर अराउंड 730 किलोमीटर्स का रूट है, तो वो ज़्यादा लंबा नहीं है, प्राइमरली हम वहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरा जो रूट है हमारे पास में वो भी अराउंड इतना ही है, वो है उज्जैन इंदौर मुंबई। हमारी जो कानपुर गाड़ी है वो भी उज्जैन वाया उज्जैन ही है। और लंबे रूट्स का भैया बिल्कुल बात सही है, बाकी मेरे हिसाब से जो जर्नी ओवरनाइट हो सके, मतलब ज्यादा बड़े ड्रास्टिक रूट्स इंसान उसमें फिर परेशान होता है। सर अभी अगला सवाल ये है कि बसेस में जो टॉयलेट की समस्या होती है लोगों को, तो कुछ लोग बोलते हैं कि बसेस में टॉयलेट क्यों नहीं होती इंडिया में, तो आपका इस बारे में क्या विचार है? सर उसके साथ में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, पीपल हैव नॉट डेवलप्ड एक्चुअली अ सेंस हाउ टू यूज अ टॉयलेट इन अ बस। इट इज अ यूरिनल, मतलब जो मैं कहना चाहूंगा वो एक यूरिनल होता है, वो जो बिग जॉब है या जिसको कहना चाहिए कि हम इट इज फॉर पी नॉट फॉर पू, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये। दूसरा उसको क्लीनिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एज अ बस ऑपरेटर मैं भी ये बात मानता हूँ सर कि कोई हमारे यहाँ पे जॉब कर रहा है या जेनिटर है, तो जिस तरीके की डीप क्लीनिंग नॉर्मल टॉयलेट की हो सकती है वैसी बस के टॉयलेट की पॉसिबल नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है सर कि एसी बस के अंदर में सीपेज की समस्या है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सी भी जो सीपेज अगर कहीं से भी होता है, तो जो पूरी फाउल स्मेल है वो पूरे की पूरे केबिन के अंदर एसी के द्वारा जो है रोटेट करेगी, और उसके बाद में पूरी गाड़ी के अंदर में आपको वो फाउल स्मेल महसूस होगी, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग एज अ इसके लिए हम जो सॉल्यूशन है या जो चीज़ हम वो कर रहे हैं, हम जैसे उज्जैन इंदौर मुंबई जो सर्विस है उसमें अराउंड हम 3 से 4 स्टॉप लेते हैं, 15-15 मिनट के लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि टाइम मैनेज करें, हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि 15 मिनट बिफोर टाइम हमारी गाड़ी चले। जहां भी हम गाड़ी रोक रहे हैं हम कोशिश करते हैं कि खाना जो हो वो शुद्ध हो, प्लस जो टॉयलेट्स हो वो बेस्ट इन क्लास हो। बेसिक हमारी जो मेन कोशिश है वो यही है। और मैं चाहता हूं कि जैसे और भी जो बिजनेस ओनर्स हैं जो रेस्टोरेंट्स रन कर रहे हैं या फिर जिनके यहाँ पे बस रुकती है, उनका मेजर कंसर्न खाने के साथ में, हर आदमी खाने पे हर इंसान कॉन्सेंट्रेट करता है। मैं आज बस चला रहा हूँ तो शायद मैं भी, बेसिक तो मेरा मोटो यही है कि बस चलाना ही है, बाकी मेनली जो है मुझे सर्विस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, इसी तरीके से उनको क्लीन टॉयलेट्स पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। वो एक बेसिक नेसेसिटी है और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हर्ष भैया हमारा आखिरी सवाल ये है कि अगर कोई नया बंदा बस ऑपरेशन मतलब बस बिजनेस करना चाहता है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? बस ऑपरेशन कोई अगर नया इंसान करना चाहता है तो मैं बस एक बात बोलूंगा कि आपको, मतलब ये बात शायद मेरे फादर बोलते हैं, बोले कि ये काम ऐसा है कि इसमें वो इंसान चाहिए जो अपना घर जला के और तमाशा खुद देखे। घर जलाने के बाद में तमाशा भी आपको इस कदर देखना है कि मुंह पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, तो आप ये काम कर सकते हो। बहुत डिफिकल्ट लाइन ऑफ बिजनेस है, अनसर्टन रिवॉर्ड्स हैं, जो आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये रिवॉर्डिंग भी नहीं है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि सब कुछ देने के बाद में, मतलब हर चीज कर देने के बाद में भी पैसेंजर
शायद खुश ना हो, मैं उसके पार्ट में भी वो एक्सेप्ट करता हूँ. पीपल हैव वियर्ड एम्बिशंस एंड एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ अ बस ऑपरेटर वेयर ही कुड डू नथिंग. बहुत मतलब एक आदमी मेरे पास में वो है कि आप एक फ्लैट में रह रहे हो, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग बिल्डर ने बना दी, सारी चीजें उसके अंदर में ठीक है. बस के अंदर में भी ये चीज हम बहुत सी बार देखते हैं कि 30 लोग हैं, 30 लोग एक दूसरे को समझ में नहीं पा रहे हैं 12 घंटे की जर्नी में. ऐसी कुछ समस्याएं होती हैं. पर ये एक हार्ड लाइन ऑफ बिजनेस है. आप अगर ये सोचो कि इसके अंदर में रिटर्न्स बहुत जल्दी आ जाएंगे तो ऐसा नहीं है. फाइनेंस के मान से आप देखो तो बहुत सारी बैंकों ने इनको NPA घोषित कर रखा है. नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स हैं बसें आज के समय में. बस फाइनेंस बहुत ज्यादा मुश्किल है. उसके बाद में डीजल की और जिस तरीके से पेट्रोल की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, मेरे हिसाब से सर बस ट्रेवल को गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करना चाहिए जो मैं देखता हूँ आज. अगर मैं ऐसी, खैर ये मेरा मेन पॉइंट है जो मैं आपसे बोलना चाहता था, मैं चाहता हूँ कि इस पर गौर फरमाया जाए. आज के समय में अगर 3 बंदे कार में बैठ के, नॉर्मली सर 45 लीटर डीजल जलेगा मुंबई से इंदौर आने में, आपको 10 कारें लगेंगी, 45,000 रुपए का डीजल हो जाएगा. वही काम एक AC बस इंसान को सोते हुए ट्रेवल करा रही है 2 मेजर हब्स के बीच में या हब और स्पोक के बीच में. तो मेरे हिसाब से अगर 33,000 के डीजल में ये गाड़ी वो बस वो काम करके दे रही है, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करना चाहिए बस ट्रेवल को, लोगों को पुश करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ. सेम चीज प्लेन के अंदर में हो रही है. 120 सीटर प्लेन होता है, उसके टिकट के पैसे देने के लिए आप ये. पर बस ट्रेवल को मैं बहुत समझता हूँ, बहुत से लोग जो है समझते हैं कि ये मतलब एक चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है या इसमें वो लग्जरी नहीं मिल सकती. मैं बस उनसे ये कहना चाहता हूँ सर, आज के समय में जितने एडवांस व्हीकल्स आ रहे हैं, जितनी एडवांस चीजें आ रही हैं, बस जो है वो कंपैरेटिवली ट्रेन से भी बेटर हो गया है. कल परसों मेरी बात हो रही थी तो वो भैया बता रहे थे, बोले कि ट्रेन के अंदर में IRCTC में आप चॉइस कर सकते हो, मुझे साइड अपर चाहिए, साइड लोअर चाहिए, मिडिल बर्थ चाहिए या कोई सा भी वो चाहिए. लेकिन मेजरली बस के अंदर में आप चूज कर सकते हो कि ये मेरी सीट है. और 100% केसेस में आज के समय में ऑनलाइन जो आप सीट चूज करते हो वो आपको मिलती है बियॉन्ड एनी ऑपरेट. तो यही था हर्ष भैया के साथ एक छोटा सा अनुभव. थैंक यू सो मच हर्ष भैया, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी. और दोस्तों, अगर आप उज्जैन से मुंबई या इंदौर से कानपुर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप अन्नपूर्णा ट्रैवल्स को जरूर आपकी सेवा का एक मौका जरूर दे सकते हैं. थैंक यू सो मच भैया, आपने आपका काफ़ी बहुमूल्य समय भी दिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सागर भैया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. प्लस मैं आपका फॉलोअर हूँ बहुत समय से, तो बहुत आनंद की बात है कि आज आपसे मुलाकात हुई. थैंक यू सो मच.